सब्सक्राइब करें वाइंदा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू mahindraguru.com's ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड यू आर वाचिंग द न्यू सेशन ऑफ फॉरियर इन्फॉर्मेशन #FYI विद मी एंड हिस्ट्री गुरु, जहां आज हम नजर डालेंगे 26 और 27 फरवरी के दिन घटी घटनाओं पे। क्या हुआ था, क्या घटा था, ऐसा जिनको रखना है आपको याद, हर एक एस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट पे हम डिस्कशन करेंगे। और इसी डिस्कशन में हमारे साथ हैं हिस्ट्री गुरु, जिनसे हम चर्चा करेंगे 26 और 27 फरवरी के दिन की हिस्ट्री पे, कि व्हाट वर द इवेंट्स व्हिच हेल्ड ऑन दीस बोथ डेट्स, एंड यस किन के बर्थडेज होते हैं, किन की पुण्यतिथि होती है, और क्या हमारे क्वेश्चन बैंक में आज एक नए पेज के थ्रू क्वेश्चन आंसर्स जुड़ेंगे। तो लेट्स प्रोसीड विद द सेशन, बट यस उससे पहले जानेंगे हिस्ट्री गुरु से व्हाई दिस सेशन इज इंपॉर्टेंट टू वॉच इट डेली, बिकॉज कहीं ना कहीं 365 डेज इन अ नॉर्मल ईयर एंड 366 डेज इन अ लीप ईयर, दिस सेशन मेक अ सेंस कि हर दिन कहीं ना कहीं कुछ खास होता है और कुछ खास घटता है। अगर हम हर दिन की बात करते हैं व्यूअर्स, तो हर दिन इंसान के जीवन में एक नया अध्याय जुड़ता है, हर दिन इंसान की लाइफ में एक नया दिन जुड़ जाता है, जो कि कहीं ना कहीं इंसान के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। उसी तरह इतिहास के पन्नों जो कि एक के बाद एक जुड़ते चले जाते हैं, प्रेजेंट अतीत बनता है, यानी कि अगर हम बात करें वर्तमान अतीत में बदल जाता है, प्रेजेंट पास्ट में बदल जाता है, और बातें बदलती जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके लिए जानने योग्य हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके एग्जाम व्यू के जानने के लिए योग्य हैं। तो उसी महत्व के लिए, उसी उद्देश्य से हम रोज आपके साथ जुड़ते हैं इस FYI सेशन के थ्रू, जिसका नाम है फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो जी हाँ, लेट्स स्टार्ट दिस यूनिक शो जिसका नाम है फॉर योर इन्फॉर्मेशन, और डिस्कस करते हैं कि आज के दिन किस तरह की चीजें, किस तरह की घटनाएं, किस तरह के महत्वपूर्ण तत्व आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, तो लेट्स प्रोसीड विद द सेशन एंड लेट्स लुक अपॉन टू द फर्स्ट इवेंट व्हिच हेल्ड ऑन 1952। यस, टुडे वी आर डिस्कसिंग टू डेट्स। तो पहली डेट 26 फरवरी की है कि 26 फरवरी के दिन 1952 में पीएम विंस्टन चर्चिल अनाउंस ब्रिटेन हैज इट्स ओन एटॉमिक बॉम्ब। दिस वाज समथिंग इंटरेस्टिंग रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि एटॉमिक बॉम्ब ब्रिटेन के पास है, ऐसा अनाउंसमेंट पीएम विंस्टन चर्चिल ने किया था 26 फरवरी के ही दिन, और वर्ष था 1952। जी, अगर हम बात करें विंस्टन चर्चिल की, तो काफी पॉपुलर प्रधानमंत्री रहे हैं ब्रिटेन के, काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी रहे हैं। आज ही के दिन यानी कि 26 फरवरी 1952 के दिन विंस्टन चर्चिल ने अनाउंस किया था पब्लिकली कि हमारे पास खुद का एटॉमिक बॉम्ब है, और उसके लिए उन्होंने एक ऑपरेशन भी स्टार्ट किया था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ डिटेलिंग के बारे में, ऑपरेशन हरिकेन। जी हाँ, ऑपरेशन हरिकेन वॉज द टेस्ट ऑफ द फर्स्ट यूके एटॉमिक डिवाइस। अगर हम यूके की फर्स्ट एटॉमिक डिवाइस की बात करते हैं, तो उसके लिए एक ऑपरेशन हरिकेन चलाया गया था, जिसके तहत उन्होंने टेस्ट किए गए थे एटॉमिक बॉम्ब्स। तो आज ही के दिन अनाउंस किया गया था यूके द्वारा कि उनके पास भी एटम बॉम्ब है। चलिए नेक्स्ट इवेंट की अगर हम बात करें, तो डेट वाज 27 फरवरी, ईयर वाज 2002, तो गोधरा ट्रेन बर्निंग इंसिडेंट हैपेंड। दुखद घटना थी बिल्कुल, गोधरा ट्रेन कांड जिसको हम कहते हैं, पूरी की पूरी ट्रेन जो जला दी गई थी, वो 27 फरवरी का ही दिन था, 2002 वो वर्ष था। जी हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम देखना चाहेंगे। 27 फरवरी 2002 का दिन, जिस दिन गोधरा नामक जगह पर ट्रेन को जलाया गया, तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल इन पे डिस्कशन करें, तो गोधरा ट्रेन बर्निंग वाज एन इंसिडेंट दैट ऑकर्ड ऑन द मॉर्निंग ऑफ 27th ऑफ फेब। जी हाँ, 27 फरवरी की सुबह का इंसिडेंट है, 27 फरवरी की सुबह की यह घटना है, इन 2002, इन विच 59 पीपल डाइड इन अ फायर इनसाइड द साबरमती एक्सप्रेस। जी हाँ, साबरमती एक्सप्रेस थी जिसके अंदर आग लगी थी, इसमें 59 जो लोग थे वो मारे गए थे, नियर दी गोधरा स्टेशन इन गुजरात, गुजरात के गोधरा स्टेशन में। आज ही के दिन एक दुखद घटना हुई थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तो जी हाँ, एक इवेंट ये भी रहा कि आज ही के दिन गोधरा कांड, जो कि काफी बड़े दर्दनाक कांडों में से एक माना जाता है, आज के दिन। बिल्कुल, नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो वील टॉक अबाउट द बर्थडे, किन की जन्मतिथि होती है 26 और 27 फरवरी में। तो फर्स्ट पर्सनालिटी विच वी हैव, दैट इज लीला मजूमदार। 1908 वाज द ईयर, 26th फरवरी वाज द डेट व्हेन मिसेस लीला मजूमदार वाज बॉर्न। तो बिल्कुल सर से जानेंगे कि लीला मजूमदार कौन थी और क्या थे इनके सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस। अगर लीला मजूमदार की आज बात करते हैं, 26 फरवरी लीला मजूमदार 1908 में इनका जन्म हुआ कोलकाता पश्चिम बंगाल में। जी हाँ, पश्चिम बंगाल कोलकाता में इनका जन्म होता है, और वह जानी मानी एक बंगाली राइटर थी। जी हाँ, बंगाली राइटर थी, बंगाली लेखक थी, उन्हें कई अपनी कृतियों के लिए, कई अपनी लेखनी के लिए जाना जाता था। और इनकी अगर हम डेथ की बात करते हैं, तो इनकी जो डेथ है, मृत्यु हुई थी 5 अप्रैल 2007 को कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुई थी। यानी कि जानी मानी लेखिका या बंगाली लेखिका लीला मजूमदार आज ही के दिन 26 फरवरी को कोलकाता में जन्मी थी। बिल्कुल,
नेक्स्ट इफ वील टॉक अबाउट द डेथ पार्ट, कि किसकी पुण्यतिथि होती है और किसकी पुण्यतिथि मनाई जाती है, किसका निधन हुआ था, देहांत हुआ था, तो फर्स्ट पर्सनैलिटी विच वी हैव 26 फरवरी वॉज द डेट वेन सर डॉन ब्रैडमैन डाइड, 2001 वॉज द ईयर. तो सर डॉन ब्रैडमैन की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये भी इंटरनेशनल फिगर रहे. सर डॉन ब्रैडमैन 2001, 26 फरवरी आज ही के दिन इनका निधन हुआ. लेकिन जितने भी क्रिकेट फैंस हैं वह इस नाम को भली भांति जानते हैं, भली भांति उन्होंने यह नाम सुना होगा. दुनिया के महानतम बल्लेबाजों में से एक थे, दुनिया के महानतम बल्लेबाज थे सर डॉन ब्रैडमैन. राइट हैंडेड बैट्समैन थे, यानी सीधे हाथ से खेला करते थे. सर डॉन ब्रैडमैन के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कशन करना चाहूंगा क्योंकि एक बहुत जानी मानी शख्सियत थे क्रिकेट जगत की. अगर इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल देखें तो इनका जो पूरा नाम है या उनके ओरिजिनल नेम की अगर हम बात करें तो इनका जो ओरिजिनल नेम है सर डोनाल्ड जॉर्ज ब्रैडमैन. जी हाँ, इनका जो पूरा नाम था सर डोनाल्ड जॉर्ज ब्रैडमैन था, लेकिन लोग इन्हें प्यार से सर डॉन ब्रैडमैन या यू कहें कि शॉर्ट में इन्हें सर डॉन ब्रैडमैन कहते थे. ही वॉज एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर. अगर किसी लोगों ने इनका नाम सुना है लेकिन यह नहीं मालूम कि सर डॉन ब्रैडमैन किस पर्टिकुलर कंट्री से बिलोंग करते थे तो उनके लिए आंसर हमारा यह है कि वह ऑस्ट्रेलिया यानी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे एंड नोन एज द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम. हर समय के महानतम बल्लेबाजों में से एक सर डॉन ब्रैडमैन थे. अगर इनके जन्म की बात करें कि इनका जन्म कब हुआ, ये तो इनकी डेथ डेट हुई. अगर हम इनके जन्म की बात करते हैं तो 27 अगस्त 1908 को ऑस्ट्रेलिया में ही ये जन्मे. इसके साथ अगर हम इनके टॉप स्कोर की बात करें तो 334 रन टेस्ट क्रिकेट में बनाया गया इनका सबसे बड़ा रिकॉर्ड था. और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं डॉन ब्रैडमैन के बारे में, इनके कैरियर के बारे में, टेस्ट बैटिंग एवरेज 99.94, जी हाँ 99.94 के एवरेज से, के औसत से उन्होंने रन बनाए थे. इसका अर्थ कुछ इस प्रकार हुआ कि उन्होंने जितना भी टेस्ट मैच खेले हैं, जितना भी टेस्ट क्रिकेट खेला है, हर मैच में औसतन 99 रन तो बनाए हैं. यानी कि ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपने टेस्ट क्रिकेट में लगभग औसतन हर टेस्ट मैच में सेंचुरी मारी है क्योंकि उनका एवरेज तो यही कहता था. तो जाने माने बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन सर डॉन ब्रैडमैन का आज ही के दिन निधन हुआ. नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट, सो वी हैव विनायक दामोदर सावरकर. 1966 वॉज द ईयर, 26 फरवरी वॉज द डेट जब इनका देहांत हुआ था. तो क्या सर ये एक क्रांतिकारी में शुमार है? बिल्कुल बिल्कुल, कोई डाउट नहीं. क्योंकि अगर हम बात करें, कुछ लोगों शायद इनका पूरा नाम नहीं मालूम होगा लेकिन उन्होंने वीर सावरकर का नाम जरूर सुना होगा. और पिछले कुछ सेशंस में हमने वीर सावरकर के बारे में डिस्कशन भी किया था. तो वीर सावरकर इनका निकनेम था लेकिन इनका जो रियल नेम था, वास्तविक नाम था, वह था विनायक दामोदर सावरकर, जिनका 1966 26 फरवरी के दिन हम ये कहेंगे इनका निधन हुआ. ये शब्द हुए. अगर इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करें कि इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म 28 मई 1883 को ग्राम भागुर, जिला नासिक, बंबई में हुआ था. जी हाँ. लेकिन अगर इनके बारे में बात करें, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि यह जो पर्सनालिटी है वह इतिहास में दर्ज है, इतिहास के जाने माने नेताओं में शुमार है, इसलिए थोड़ा सा डिस्कशन जरूर करना चाहूंगा. भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के यह सेनानी थे, प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे और इन्हें प्रायः वीर सावरकर के नाम से संबोधित किया जाता था. नासिक जिले के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के लिए इन्हें 7 अप्रैल 1911 को काला पानी की सजा दी गई और सेलुलर जेल भेज दिया गया. सेलुलर जेल जो कि आज अंडमान निकोबार आइलैंड के पोर्ट विलर नाम की जगह पर है, जिसे काले पानी की जेल या काले पानी की सजा के लिए जाना जाता था, जो कि उस समय की सबसे कठिन सजा मानी जाती थी. अगर हम बात करें द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इन्होंने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, सावरकर द्वारा लिखित पुस्तक है जिसमें उन्होंने सनसनीखेज व खोजपूर्ण इतिहास लिखकर ब्रिटिश शासन को हिला डाला था. तो अपनी लेखनी के लिए भी जाने जाते थे, महान क्रांतिकारी थे और कई आंदोलनों में शामिल रहे थे वीर सावरकर. और इनके अगर हम डेथ की बात करें, आज ही के दिन 1966 को इनका डेथ हुई. बिल्कुल. नेक्स्ट पर्सनालिटी की अगर हम बात करेंगे तो यस, चंद्रशेखर आजाद. 1931 वाज द ईयर, 27 फरवरी वाज द डेट व्हेन चंद्रशेखर आजाद डाइड. और सर इनकी मृत्यु की या इनके देहांत की घटना की अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं मुठभेड़ में इनकी मृत्यु हुई थी. हाँ, ये हम बात करें कि एल्फ्रेड पार्क जो कि इलाहाबाद में पड़ता है, तो कई बार कई क्रांतिकारी बात करें, कई क्रांतिकारी चीजों में, कई क्रांतिकारी आंदोलनों में शामिल रहे हैं लेकिन पुलिस इन्हें कभी पकड़ नहीं पाई. ये एक फैक्ट बात है. लेकिन फिर भी इनके किसी साथी ने गद्दारी की, अंग्रेजों के साथ जा मिला और जब वह एक छोटी सी मीटिंग के साथ अल्फ्रेड पार्क से निकल रहे थे तभी अंग्रेज वहां पर आ गए और घुस गए. लेकिन फिर भी उन्होंने पीठ दिखाकर नहीं भागे और जब तक इनकी बंदूक में गोलियां नहीं, वो पुलिस की गोलियों का सामना करते रहे. सभी को मालूम है, जितने हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, जब आखिरी गोली बची और उन्हें लगा कि अब मैं नहीं बचूंगा तो उन्होंने कहा कभी भी, मैं कभी भी अंग्रेजों के हाथों नहीं मरूंगा. इसलिए उन्होंने उस गोली को खुद अपने सिर में मार लिया और इस प्रकार इनकी डेथ हुई. तो शहीद हुए थे
चंद्रशेखर आजाद, आज ही के दिन 1931 एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में। लेकिन मैं इनके जन्म की बात करूं, 23 जुलाई 1906 को इनका जन्म हुआ था। ही वॉज एन इंडियन रिवोल्यूशनरी हु रीऑर्गेनाइज द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। आप सभी को मालूम होगा HRA के बारे में, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को उन्होंने रीऑर्गेनाइज किया और उसका नया नाम जो रखा था वह रखा था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसमें इनके साथ भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और बहुत सारे क्रांतिकारी लीडर्स भी शुमार थे। कई तरह के कांड, या हम बोले काकोरी लूट कांड और बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज रही हैं जो कि क्रांतिकारियों ने की, उसमें कहीं ना कहीं बात करें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पर कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद जुड़े रहे। आजाद इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा था मैं आजाद हूं, आजाद था और आजाद ही रहूंगा। तो जी हाँ, आज ही के दिन का देहांत हुआ था और वो आज ही आजाद। बिल्कुल। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट, सो नेक्स्ट पर्सनालिटी की अगर हम बात करें तो किसका देहांत हुआ था, तो वी हैव नानाजी देशमुख। 2010 ईयर था, 27 फरवरी का दिन था जब नानाजी देशमुख जी का निधन हुआ था, देहांत हुआ था। तो बिल्कुल आपसे जानेंगे कौन थे ये नानाजी देशमुख। अगर हम बात करें इस समय तो नानाजी देशमुख भारतीय जनसंघ के एक बड़े लीडर थे, समाजवादी थे और जाने माने और प्रखर एक नेता भी थे। इनके जन्म की अगर मैं बात करूं, 11 अक्टूबर 1916 को इनका जन्म हुआ था। जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता थे, ऑनर विद दी पद्म विभूषण, इन्हें भारत के तीसरे सबसे बड़े सम्मान भारत के भारत विभूषण या जिसको हम कहते हैं पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था। और भारतीय जनसंघ के फाउंडर्स में से एक थे, भारतीय जनसंघ, जी हाँ भारतीय जनसंघ और जो जनता पार्टी थी, आगे चल के इनका विलय हो गया, ये मिल गए आपस में तो भारतीय जनता पार्टी बनती है। तो भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक थे नानाजी देशमुख, जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता। 2010 के 27 फरवरी के दिन इनका निधन। बिल्कुल। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट, तो आगे हम बढ़ रहे हैं गणेश वासुदेव मालवंकर के लिए, मावलंकर जिनको हम कहेंगे। 1956 वाज द ईयर, 27 फरवरी वाज द डेट व्हेन ही डाइड। तो ये भी क्या किसी क्रांतिकारी के नाम में शुमार जी, अगर हम इनके बारे में बात करें तो इसे हम स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले कार्यकर्ताओं में से एक मानेंगे। अगर हम बात करें, इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, भारत की आजादी के लिए, मतलब स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी हम इनको कहा, इनको कह सकते हैं जैसा कि हम देख पा रहे हैं। लेकिन सबसे प्रमुख जो बात इनके लिए जो इंपॉर्टेंट है वह यह है कि भारत में सर्वप्रथम, अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करें तो भारत में जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ लोकसभा, या सॉरी अगर मैं चेयरमैन की जगह स्पीकर शब्द का इस्तेमाल करूं तो ज्यादा बेटर होगा, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा गणेश वासुदेव मावलंकर ही थे। तो यह काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे, देन योर आंसर इज गणेश वासुदेव मावलंकर। इनका निधन आज ही के दिन 1956। नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ। देखते हैं FYI क्वेश्चन बैंक में आज किस तरीके के क्वेश्चंस ऐड ऑन होते हैं और किस तरीके से हम उनको आंसर करते हैं। तो लेट्स प्रोसीड विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड हियर इट इज। हाउ मेनी स्टेट बाउंड्रीज आर टच्ड बाय महाराष्ट्र, महाराष्ट्र द्वारा कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श किया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने, फर्स्ट वन इज 3, सेकंड वन इज 4, थर्ड वन इज 5 एंड 6, सेकंड और फोर्थ वन इज 6। महाराष्ट्र राज्य कितने राज्य की सीमाओं को छूता है? तो बात अगर करें तो यस, 5 इज द आंसर। बिल्कुल, अगर महाराष्ट्र की बात करें, 5 राज्यों से इसकी सीमा। अच्छा, यहाँ 5 राज्य सर हम गेस करना चाहेंगे, आप बताइएगा सही है या नहीं। बिल्कुल। एक हो गया मध्य प्रदेश जी, बिल्कुल, गुजरात बिल्कुल, कर्नाटका बिल्कुल, आंध्र प्रदेश बिल्कुल, और 5वां इज इट उड़ीसा या तेलंगाना। जी अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाना चाहिए वो तेलंगाना हो जाना चाहिए, बिकॉज साथ ही ये हमारा बल्ब जला। बिल्कुल, तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। बिल्कुल, तो इसका तो आंसर 5 हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हम बात कर रहे थे उड़ीसा की, उससे पहले तेलंगाना काउंट हो जाएगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश तो दो पार्ट में बढ़ चुका। बिल्कुल, आगे बढ़े हैं, तो और देखते हैं अगले प्रश्न की। बिल्कुल, हु रोट गीता रहस्य, गीता रहस्य किसने लिखी थी? जी हाँ, ऑप्शन आपके सामने, लाल लाजपत राय, सेकंड वन इज विपिन चंद्रपाल, थर्ड वन इज बाल गंगाधर तिलक एंड फोर्थ वन इज अरविंद घोष। ऑप्शन आपके सामने हैं, अगर आपके दिमाग में लग रहा है कि कौन सा आंसर सही हो सकता है तो जल्दी से दिमाग में सोच लीजिए। बिल्कुल, तो सर अनडाउटेडली हमें तो लग रहा है बाल गंगाधर तिलक। भी हाँ, अगर हम यहाँ पर सही आंसर की बात करें, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही गीता रहस्य नामक पुस्तक को लिखा गया था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट बुक है, तो आप इस पॉइंट को भी एड ऑन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहनजोदाड़ो इज लोकेटेड एट, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? जी हाँ, अगर मोहनजोदाड़ो की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ यह स्थल है। ऑप्शंस आपके सामने, इसमें से किन पर्टिकुलर साइट से जुड़ा हुआ है, सिंध, गुजरात, पंजाब या उत्तर प्रदेश? पर्टिकुलर जो लोकेशन आज मोहनजोदाड़ो की है वह कहाँ है? तो डेफिनेटली आंसर सिंध है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये पाकिस्तान में काउंट होता है। बिल्कुल, अगर मोहनजोदाड़ो की बात करें, मोहनजोदाड़ो हड़प्पा जो लोकेशंस हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, वह पाकिस्तान के सिंध नाम के प्रांत में है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह सिंध जाएगा। चलिए, तो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ईश्वरचंद विद्यासागर लेड अ मूवमेंट अगेंस्ट था, ईश्वरचंद विद्यासागर ने किसके विरुद्ध आंदोलन किया था? ऑप्शंस आपके सामने, रिस्ट्रिक्शन ऑन विडो रीमैरिज यानी कि विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध, सेकंड वन इज चाइल्ड मैरिज मतलब कि बाल विवाह, थर्ड वन इज बोथ ए एंड बी यानी कि ए और बी दोनों, एंड फोर्थ वन इज मुस्लिम मैरिज मतलब कि मुस्लिम विवाह। तो डेफिनेटली ईश्वरचंद विद्यासागर जी का जब नाम आता है तो रिस्ट्रिक्शन ऑन विडो रीमैरिज एंड चाइल्ड मैरिज दैट इज ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। उस समय कई तरह की कुप्रथाएं चलती थी, लोगों के अंदर एक अलग तरह की रूढ़िवादी मान्यताएं शामिल थी, लोग बाल विवाह पर भी जोर देते थे, साथ ही साथ विधवाओं का पुनर्विवाह होना काफी मुश्किल था उस समय के ट्रेडिशंस के हिसाब से। तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने बाल विवाह और विडो रीमैरिज के लिए, विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए लड़ाई लड़ी और उसमें सफलता भी पाई। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। How many Upanishads have been compiled? कुल कितने उपनिषद संकलित किए गए हैं? Options आपके सामने हैं। First one is 12 यानी कि 12, second one is 4 यानी कि 4, third one is 108 यानी कि 108 and fourth one is 102 यानी कि 102। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है या उपनिषद कुल कितने अभी तक कंपाइल किए? तो बिल्कुल इसका आंसर है 108, that is option number C। बिल्कुल 108 टोटल उपनिषद हैं, इसे अपडेट कर लें। चार वेद हैं जो कि चार नंबर ऑप्शन पे आप देख पा रहे हैं, तो वेदों की संख्या चार है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। चलिए लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कुचिपुड़ी इज अ डांस एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शंस आपके सामने, फर्स्ट वन इज मणिपुर, सेकंड वन इज आंध्र प्रदेश, थर्ड वन इज तमिलनाडु एंड फोर्थ वन इज आसाम। कई तरह के डांस फॉर्म्स एग्जाम में पूछे आते हैं, उसी श्रृंखला से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है कि कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो डेफिनेटली आंसर इज बी आंध्र प्रदेश। बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है आपके दिमाग में, क्योंकि काफी इजी क्वेश्चन है तो आपके दिमाग में भी इसका आंसर बहुत ही जल्दी आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंतजार कौन सा क्वेश्चन कर रहा है। Who wrote हितोपदेश? हितोपदेश किसने लिखा था? ऑप्शंस आपके सामने, विष्णु शर्मा, आर्यभट्ट या तीसरा ऑप्शन है वात्स्यायन एंड फोर्थ वन इज अमर सिन्हा। इनमें से किस पर्टिकुलर व्यक्तित्व ने हितोपदेश नामक पुस्तक लिखी थी? तो आंसर इज अनडाउटेडली ऑप्शन नंबर ए विष्णु शर्मा। जी हाँ, पंचतंत्र की कहानियां, नाम आपने जरूर सुना होगा, पंचतंत्र की कहानियां, और पंचतंत्र की कहानियां लिखने वाले जो लेखक थे उनका नाम भी विष्णु शर्मा ही है। तो पंचतंत्र, हितोपदेश जैसी बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें जो लिखी गई है वह विष्णु शर्मा द्वारा ही लिखी। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। Who fell from the horse while playing चौगान and died? कौन चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मर गया था? चौगान का मतलब है पोलो गेम, पोलो। से यानी आज का जो ट्रेडिशन, आज का जो मॉडर्न गेम है इसे पोलो गेम कहते हैं, तो उस समय से राजा महाराजाओं का गेम कहा जाता था। तो इनमें से किस दिल्ली सल्तनत का शासक जो था वह पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर गया और उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई। ऑप्शन आपके सामने, फर्स्ट वन इज आराम शाह, सेकंड वन इज इल्तुतमिश, थर्ड वन इज कुतुबुद्दीन ऐबक एंड फोर्थ वन इज रुकनुद्दीन फिरोज। तो आंसर की बात करें तो यस ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक। जी हाँ, अगर हमने पिछले ही दो तीन सेशन की बात करें तो हमने इस बारे में डिटेल डिस्कशन किया था कि इनमें से कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक था जो कि घोड़े से गिरकर उसकी मौत हुई थी। तो हमने वहां पर डिस्कशन किया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ही इसका सही आंसर था। चलिए तो बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाबार्ड एस्टैब्लिशमेंट इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी, किस समिति की सिफारिश के आधार पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी? ऑप्शंस आपके सामने, नरसिम्हन कमेटी, सेकंड वन इज शिवरमन कमेटी, थर्ड वन इज रमन कमेटी एंड फोर्थ वन इज नन ऑफ दीज। तो आंसर की बात करें तो यस, कहीं ना कहीं एस्पायरेंट्स जानते भी होंगे क्योंकि नाबार्ड से रिलेटेड जब ये इंटरव्यू की प्रिपरेशंस करते हैं तो ये बात निकल के आती है कि अंडर द एक्ट या बात करी जाए शिव रमन कमेटी के तहत नाबार्ड की स्थापना की गई। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और बढ़ेंगे इसी के साथ आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट न्यूज़पेपर, इनमें से कौन सा भारत का पहला समाचार पत्र है? ऑप्शंस आपके सामने, लेकिन मुझे मालूम है कि हमारे व्यूअर्स के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन और बहुत सारे स्टूडेंट्स को उसका आंसर मालूम भी है क्योंकि यह प्रश्न कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ऑप्शंस की अगर हम बात करें, फर्स्ट वन इज यंग इंडियन, सेकंड वन इज नेटिव ओपिनियन, थर्ड वन इज बंगाल गजट एंड फोर्थ वन इज हिंदू पैट्रियट। तो आपको ये बताना है कि भारत का सबसे पहला न्यूज़पेपर क्या था, क्योंकि कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यस, अनडाउटेडली आंसर इज ऑप्शन नंबर सी बंगाल गजट। बिल्कुल सही है, बंगाल गजट ही भारत का सर्वप्रथम न्यूज़पेपर था जो कि पब्लिश किया गया। चलिए तो इसी के साथ फॉर योर इन्फॉर्मेशन #FYI में विदा लेंगे हम आपसे। सेशन को लाइक करना ना भूलें, इफ यू हैव लाइक द वीडियो लाइक द कंटेंट एंड इफ यू आर गेटिंग एनी बेनिफिटेड बाय ईच एंड एवरी कंटेंट, सो डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन बिफोर गेटिंग ऑफलाइन। कमेंट करते रहिए, बताते रहिए ताकि आपकी रिक्वायरमेंट्स पे हम काम करते रहें। एंड यस, यू हैव द चांस टू सब्सक्राइब आवर चैनल टू, सो डू क्लिक ऑन द सब्सक्रिप्शन बटन टू गेट द सब्सक्राइब व्यूअर टैग और आप हमारे वीडियोज आराम से एक्सेस कर सके। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ख्याल रखिए और भूलिएगा मत, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू।